सीएम योगी ने फिल्म आरआरआर की पूरी टीम को दी बधाई, बोले यह कला का अमृतकाल। यूपी से 31,000 को मिलेगा हज यात्रा का मौका, कमेटी के अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री का जताया आभार। दिल्ली में 30 जनवरी को हो सकते हैं मेयर चुनाव, एमसीडी ने एलजी को भेजी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बर्फबारी की संभावना, शिमला में हल्की बारिश का अनुमान। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा, हत्या की कोशिश का आरोप। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर जिला में प्रशासन टीम ने किया निरीक्षण, कई घरों में आई दरार। बिहार के बक्सर में जमकर बवाल, किसानों पुलिस के बीच भिड़ंत, लाठीचार्ज से भड़के किसान। जोशीमठ में धीमी बरसात शुरू, आसपास के गांव में हो रही हल्की बर्फबारी, लोगों की चिंता बढ़ी। भारत ने निजी क्षेत्रों के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर खोले, पीएम मोदी ने कहा। एक बार फिर पर्दे पर टकराएगी दो विचारधारा, गांधी गोड़ से एक युद्ध फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।